लिख ली। चलो ठीक है, आप समझो। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है, वो क्या चीज होता है ना, तो रे ऑफ लाइट को बाबू है ना, जैसे मान लो प्लेन मिरर ले लो, है ना, शांति से समझना है ना, प्लेन मिरर ले लो, क्या लीजिए बाबू, प्लेन मिरर लीजिए इस तरह से, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, प्लेन मिरर है ये मिरर, इसमें अपना डेली डेली फेस देखते वो है ना, सुबह सुबह फेस देखो, फेनल लगा कर देखते हो ना जी, है ना, तो जिसमें देखते हो फेनल लगा कर, उसी को प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है ना बाबू। अब ये क्या बाबू, इस पे बाबू एक साइड लाइट इंसिडेंट करवाओगे, इधर से मान लो टॉर्च इंसिडेंट कराओगे बाबू, है ना, देखो इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च के लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं ना, इतना सारा लाइट है रूम में कि पता नहीं चलेगा, है ना, तो इस पर टॉर्च का लाइट अगर इंसिडेंट होगा वो, तो ये क्या होगा, जिस एंगल से आएगा, है ना, जिस एंगल से आएगा दूसरे एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहें ना। देखो जैसे बाबू बोर्ड पे अभी आपको बाबू मान लो इधर से हमने टॉर्च जलाया, इसका इसमें आपको ये खत्म हो गया क्या, ये टॉर्च जला रहा है तो देखो बोर्ड पे बाबू ग्लेयर कर रहा है, बोर्ड पे ग्लेयर कर रहा, हम जला रहे हैं कहाँ से था, इस मिरर पे जला रहे, लेकिन बोर्ड पे आपको ग्लेयर करता हुआ नजर आएगा, बोर्ड है ना, बोर्ड पे क्या कर रहा है, ग्लेयर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर क्यों सर, क्योंकि बाबू इस पे जो रे ऑफ लाइट आया, जितना एंगल से रे ऑफ लाइट इस पे आ रहा है मिरर पे, है ना, जितना एंगल से आ रहा है, कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, कहने का मतलब बाबू इधर से रे ऑफ लाइट आया, इधर से आया और उतना ही एंगल से उधर क्या हो गया, रिटर्न हो गया, उतना ही एंगल से क्या हो गया, उधर रिटर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। इधर से टॉर्च मारो और फिर इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा ऊपर, उधर क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा ना। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लास्ट क्लास में वीडियो आपको दिखाए थे, लास्ट क्लास में वीडियो आपको दिखाए थे, रोशनी शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, अदित्री बाबू ऑन कीजिए, शुभ शैतान ऑन करो, सर आप लाइट चला दीजिए सर, अंधेरा हो गया, ठीक। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू दो तरह से होता है, एक होता है बाबू रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये मेरा प्लेन सरफेस है, ये मेरा क्या वो मिरर है, पूरा का पूरा क्या प्लेन है, स्मूथ है ना, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट इधर आएगा और दूसरे साइड में क्या चला जाएगा, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। और मान लो बाबू इसका एक साइड कैसा है, रफ सरफेस, इसका देखो एक साइड क्या है, रफ सरफेस है, तो इस साइड से जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज कहेंगे चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, इधर से भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आपको ये पोर्शन दिखाई नहीं देता, है ना, ऐसा ये येलो ट्रैप का दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, है ना। तो रिफ्लेक्शन बाबू स्मूथ रहे, रफ रहे, हर एक जगह से होता है, हर एक जगह से होता है रिफ्लेक्शन, है ना, हर एक जगह से होता है ना। तो ऐसे फिनोमेनन में हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। तो वही दिखाया गया और ज्यादा कुछ नहीं किया गया, है ना, यही किया गया। इधर से क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या किया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो इधर से क्या है, लाइट आया और इधर चला गया। तो ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लेन मिरर है, क्या वो प्लेन मिरर है। नीचे क्या है बाबू, नीचे ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब होता है प्लेन मिरर को बाबू निकाल के देखोगे तो पीछे में क्या रहेगा, पॉलिश क्या हो रहेगा। प्लेन मिरर का वो निकालोगे ना बहुत, पीछे क्या क्या हो रहेगा, पॉलिश क्या हो रहेगा, पॉलिश क्या रहेगा, दिखा देंगे आपको, है ना, प्लेन मिरर को खोल के दिखा देंगे। इसमें तो बहुत सारा ये है, इसको खोलेंगे तो टूट जाएगा, आपको खोल के दिखा देंगे ना। तो प्लेन मिरर वो बैक साइड में करोगे तो पॉलिश क्या हो रहेगा, तो उसी पॉलिश को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं ना, इंडिकेट करते हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर कलर का पॉलिश हो रहा था। हाँ ये क्या हो रहा, अगर बाबू प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्रैक्शन कहेंगे ना। अगर क्या हो रहा है बाबू, डिफ्यूज सरफेस है, मतलब रफ सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे रफ सरफेस कहने का मतलब क्या होगा, रफ सरफेस का जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या स्मूथ नहीं ना जी, है ना। जैसे ये मान लो ये बाबू है ना, जैसे कहने का मतलब रफ सरफेस क्या हो गया सर, है ना, जैसे ये कपड़ा हो गया, तो ये कपड़ा क्या बाबू, ये कपड़ा है तो ये स्मूथ नहीं है, रफ है बाबू, रफ है ना। तो इससे टॉर्च लाइट आएगा और लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस रफ सरफेस जो रिफ्रैक्शन होगा है ना, टेबल से, चेयर से, ये सब क्या होता है, रफ होता है, रफ होता है। तो ऐसे रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे ना, डिफ्यूज कहेंगे ना, डिफ्यूज कहेंगे, ठीक बाबू। तो ये क्या होता है बाबू, रिफ्रैक्शन होता है ना। अब रिफ्रैक्शन के बाबू क्या होता है, अब कौन कौन सर्फेस क्या होता है बाबू, जो बाबू हमको बेस्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाबू, जैसे सर्फेस क्या है, ये जो मिरर है शैतान, शांति समझ कर चलना, ये जो मिरर है बाबू, ये जो मिरर है क्या है सर, ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है। तो एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा बाबू, एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा, जो सारे के सारे रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा,
इधर से जितना रे आ रहा है टोटल के टोटल रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदित्रि बाबू वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए अदित्रि, अदित्रि बाबू ऑन करो बाबू, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहेंगे ना, क्या कहेंगे बाबू, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर। इधर से लाइट आ रहा है, देखो बेटा हम लोग लाइट इस पे इंसिडेंट कराएंगे और वो क्या जाएगा, लाइट इस पे इंसिडेंट करा, इधर टॉर्च इधर है और वो बाबू आपके मोबाइल पे ग्लो कर रहा है, दिख रहा है बाबू है ना, दिख रहा है ना ग्लो करते हुए, है ना ग्लो करते हुए दिख रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे ग्लेयर नहीं कर रहा है, ग्लेयर कर रहा है, टॉर्च का लाइट ऑन है, शैतान टॉर्च का लाइट ऑन है, ठीक है ना, देखो ग्लेयर करते हुए, ठीक है ना ग्लेयर करते हुए दिख रहा आपको है ना, दिख रहा मिरर मिरर में ना, तो ये लाइट इधर से आया और उधर क्या हो गया, चला गया है ना, तो इसी फेनोमेनन को आपको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे है ना, ठीक बाबू। अब इसका बाबू क्या होता है बाबू, इसमें बाबू क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है ना, कौन कौन से सर्फेस का बाबू रिफ्लेक्शन क्या होगा, अच्छा अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, कौन कौन सर्फेस होगा ना, कौन कौन सा सर्फेस है ना बाबू, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाबू थोड़ा सा, उसके बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ाना, उसके बाद क्या पढ़ाना, टर्मिनोलॉजी सर वो लास्ट का पिक्चर ड्रॉ करना सर, थोड़ा सा साइड जल्दी ड्रा करो, जल्दी करो लास्ट का पिक्चर, सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी तुरंत कर लो, उसका ये लिखना है नेक्स्ट बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो बेस्ट रिफ्लेक्टर सर्फेस है ना, नेक्स्ट बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, अदित्रि भोली हो गया सर, भोली अदित्रि, यस सर, वो हेडिंग दे, हाँ हेडिंग बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मतलब वो क्या बाबू, जो लाइट को क्या करे रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट को क्या करे रिफ्लेक्ट कर दे, मिरर होगा ना सर, उसको हम लोग क्या कहेंगे रिफ्लेक्टर कहेंगे, उसको क्या कहेंगे रिफ्लेक्टर कहेंगे है ना, रिफ्लेक्टर कहेंगे, तो कोई भी चीज बाबू जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे रिफ्लेक्टर कहेंगे, तो अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होगा सर, तो उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, वो शाइनिंग होना चाहिए, इट शुड हैव बाबू, कौन कौन से तीन चार वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू, इट शुड हैव बाबू शाइनिंग सरफेस, सबसे सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, नेक्स्ट बाबू सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, बताते हैं बाबू, इट शुड है बाबू पॉलिश सरफेस, तो मेरी वीडियो को कुछ हो गया है सर, देखिए तो सर पॉलिश्ड होगा सर वो, इट शुड है बाबू सर, क्या हुआ जी, मैं वीडियो से अलग हो गया सर, अलग नो सर सही दिख रहा है सर, चलो सही है बाबू, वीडियो अलग हो गया, ये हो गया, ज्यादा मोबाइल को छेड़छाड़ करोगे तो होगा नहीं, हाँ तो आपका अलग हो ही जाएगा, ज्यादा शैतानी करोगे तब भी अलग कर देंगे, इट है बाबू स्मूथ सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए सर, आप छोड़ दीजिए सर कुछ, नेक्स्ट बाबू जैसे सिल्वर मेटल बाबू, सिल्वर जो मेटल है एग्जांपल में क्या बाबू, सिल्वर जो मेटल है, सिल्वर मेटल और बाबू बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक, रिफ्लेक्शन का प्रीवियस क्लास में बाबू हम आपको वीडियो दिखाए थे रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टर बाबू वो रिफ्लेक्टर वो लाइट को रिफ्लेक्ट थोड़ी करता है, वो रिफ्रैक्शन कर देता है सर, डायमंड नहीं है फिर सर, वो रिफ्रैक्ट कैसे कर देता है सर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से बोला, जल्दी लिखो बाबू, सर अभी और कैरेक्टरिस्टिक, सर वो नीचे का इरेज कर दीजिए सर, अच्छा ठीक है बाबू,
सर आप डिफ्रैक्शन भी पढ़ाएंगे क्या सर? डिफ्रैक्शन पूरा डिफ्रैक्शन आप लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो बहुत आगे आ डिफ्रैक्शन सर कि फालतू का बहस तो बहुत आगे जाके होगा ना सर, बहुत आगे जाके बहस मत करो। वो अगस्त्या खाली बकर बकर करते रहता है, डिस्टर्ब होता क्लास को जी। देखिए बाबू क्या है, शांति से समझना है। इसमें बाबू दीजिए सर, बहुत पीटेंगे सत्यम, शांति से क्लास करो जी। बकर बकर इतना बोलते क्या बाबू, हम करेंगे नहीं रेज, आपको क्यों इतना बोलते? बोलना हर एक चीज के लिए बोलना जरूरी नहीं है सर। हटा दीजिए सर वो जो फालतू का मत बोलिए, डिस्टर्ब होता है क्लास को, ठीक है ना? जरूरत है बोलिए, नहीं जरूरत है हम कम कर देंगे, ये कीजिए वो कीजिए। और भी पेरेंट्स रहते हैं बाबू, बहुत सारे पेरेंट्स बैठ के पढ़ते रहते हैं, स्कूल नहीं ना बाबू कि स्कूल में टीचर पढ़ाया पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई नहीं वहां देखने वाला। बहुत सारे के पेरेंट्स साथ साथ बैठ के पढ़ते रहते हैं। देखो हम आपको क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं ना, समझना इसको। कहाँ गया लाइट चैप्टर जी? देखिए समझिए इसको, देखिए ये आपका क्या लिया गया, वो मिरर लिया गया, ये आपको जो दिखाई दे रहा बोला ये क्या आपका प्लेन मिरर है, ठीक है? सारे बच्चे को दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा बोलिएगा। ये जो आपको लिया गया वो क्या है, प्लेन मिरर है। क्या बोला? प्लेन मिरर है। अरे सिद्धांत शांत रहो ना, लाइट ऑफ करेंगे तो समझाएंगे कैसे जी। ये क्या लिया गया वो प्लेन मिरर लिया गया, ठीक ठीक। इस प्लेन मिरर पे हम लोग क्या करेंगे, इधर से टॉर्च इंसिडेंट करवाएंगे, इधर से क्या करेंगे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इधर से, है ना? इधर से क्या करेंगे बोला, शांति समझना, इधर से क्या करेंगे टॉर्च को क्या करेंगे लाइट को क्या करेंगे इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, है ना? इंसिडेंट कराएंगे, ठीक। नेक्स्ट वो ठीक, इस पे क्या करेंगे बाबू, हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, है ना? शांति से समझते चलना। चलो समझना शांति से, है ना? क्या किया बाबू, इधर से रे ऑफ लाइट आया, है ना? इधर से क्या आया, रे ऑफ लाइट आया, ठीक। ये क्या रहा, येलो कलर का आपको दिख रहा है बाबू, हल्का हल्का येलो कलर का दिख रहा, ये क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक। ये क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो एक साइड से आया है और दूसरे साइड रिटर्न हो गया, तो यही जो फिनोमेनन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिख रहा है बाबू अदित्री भोली, दिख रहा है जी अदित्री? यस सर दिख रहा है। चलो ठीक है भोली, तो यही जो फिनोमेनन है बाबू, यही क्या है मेरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर से लाइट आया सर और इधर लाइट क्या हो गया, चला गया। इधर से लाइट आ रहा है सर और इधर लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यही जो फिनोमेनन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, है ना? अब आगे समझना, इसमें थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, इसमें क्या है टर्मिनोलॉजी, है ना? टर्मिनोलॉजी है सर। हाँ जी सर, वहां पे लिखा था कि मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस थ्रू इट, रिफ्लेक्ट थ्रू इट सर। वहाँ पे कम्प्लीटली सर नहीं लिखा था, क्योंकि सर अगर कम्प्लीटली अगर होता सर तो मिरर दिखता ही नहीं ना सर। क्या बोला सर, वहाँ पे लिखा था कि मोस्ट ऑफ द लाइट पास रिफ्लेक्ट थ्रू इट, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा था, कम्प्लीटली नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ पे सर अगर कम्प्लीटली पास हो रिफ्लेक्ट होता तो सर वो दिखता ही नहीं ना सर मिरर। अरे मिरर वैसे नहीं दिखते हैं बाबू, समझो बताते हैं कम्प्लीटली। वो कुछ लाइट मेरा क्या होता है, ट्रांसमिट भी हो जाएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, दो तरह का फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे,
ठीक, अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना अभी धीरे धीरे समझते चलो, सारा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ से बाबू आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है बाबू, है ना, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये जो लाइट आ रहा है, अब इसमें सारे का नाम होता है, सारे का क्या होता है, नाम होता है। ये जो रे आ रहा है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, याद करते चलना, अभी पूछेंगे। जो लाइट टॉर्च से इधर बाबू यहाँ से टॉर्च से आया इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। इधर वाले को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, इस पॉइंट पे बाबू मिरर पे इंसिडेंट हुआ, ये जो लाइट इधर गया उसका रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे नाम है। जो रे ऑफ लाइट उधर चला गया उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। दूसरे बाबू वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू मन से पढ़ो। जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आ रहा उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो रे ऑफ लाइट उधर चला गया उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अभी सारे को लिखाएंगे। ठीक ठीक बाबू, जहां पे बाबू मिरर पे जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट आके गिरा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, मान लो मिरर के इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे आ रहा है, टकरा रहा है मिरर के जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, यहाँ पे बाबू एक डॉटेड लाइन है, यहाँ पे क्या, एक डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है बाबू, वर्टिकल जो डॉटेड लाइन है इसका नाम क्या है, नॉर्मल है। नाम सारा याद रखना, नहीं तो बहुत फिटिंग नहीं याद होता। हाँ परपेंडिकुलर था ये, इसी को हम लोग नॉर्मल करते हैं इंग्लिश में। लिखाएंगे लिखाएंगे बाबू सलोनी, शांति से अभी सुनो, लिखाएंगे सारा चीज, अभी सुनो शांति से। ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक, यहाँ बाबू नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। ये जो एंगल बनेगा ग्रीन कलर का जो एंगल बन रहा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है इसके बीच जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये सब याद रखना, सारे बच्चे को इतना याद होना चाहिए। ये जो एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल रिफ्लेक्शन होगा। हमने क्या क्या बोला इसको अभी हम लिखाएंगे सारे को। जो रे ऑफ लाइट आ रहा है सर मिरर पे, जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो रे ऑफ लाइट मिरर से जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक, मिरर पे बाबू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहेंगे। ये जो एंगल है ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये वाला जो एंगल है इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे ना, एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। इतना टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए, इतना सारा का सारा टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, किसको इंसिडेंट रे कहते हैं, किसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, किसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। बहुत पिटेंगे तनु, क्या कर रहे हो शैतान, ठीक है ना। इतना टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए, है ना बाबू। सारे को क्लियर दिख रहा, किसको किसको क्लियर नहीं दिख रहा, रुक अभी क्लियर दिखेगा। आपको तो जिंदगी में कभी ना दिखेगा, आप पढ़ते ही बेकार हो, ठीक है ना सर। हल्का हल्का नहीं दिख रहा सर, मेरे भाई के साथ खेलने में बिजी है, कहती हमको क्लियर नहीं दिखता सर, इधर भी नहीं दिख रहा। हाँ सर, ब्लरन लगा जो भी। चलो ठीक है, समझो जी, तो राइट सर, वो राइट, नॉर्मल लाइन सर, ठीक है सर, ठीक है ना, शांति से समझो, सुनो एक बार। हाँ, डॉट से बना हुआ। ये जो रे आ रहा, रे जो आ रहा ये इंसिडेंट रे होगा, जो रे आ रहा इंसिडेंट रे, जो रे जा रहा रिफ्लेक्टेड रे, जो रे गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ठीक बाबू, ये जो डॉटेड लाइन से है 90 डिग्री इसको नॉर्मल कहेंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे ना। इतना टर्मिनोलॉजी सारे को याद होना चाहिए, ठीक। अब इसी को हम लोग लिखाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है बोला, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। चलो बंद किया गया, जो उधर जा रहे उसको इंसिडेंट रे और जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे। कूटेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, पांच बार बताए हैं सर। थोड़ा नीचे कीजिए ना सर,
अब नीचे क्या करें बोला और सर नीचे सर और ये सर ठीक है चलो ठीक है जी ठीक। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से लिखाएंगे है ना, इसी को क्या होता है इंसिडेंट रे क्या होता है नॉर्मल है ना। नेक्स्ट वर्ड टर्मिनोलॉजी यूजिंग डबल रिफ्लेक्शन एरो इरेज कर दीजिए। उपदेश ज्यादा मत दो ठीक है ना, हर एक चीज के लिए बार बार बोलना है कि मत बोलो डिस्टर्ब होता क्लास को नहीं तो भगा देंगे फिर टटी यहाँ इतने रहोगे फालतू का बहस करते रहता ठीक। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू टर्मिनोलॉजी बाबू टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बाबू रिफ्लेक्शन है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू हेडिंग दो बाबू टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज्ड बाप डी लगाना भूल गए। पहला बाबू पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इंसिडेंट रे किसको कहेंगे सर, फर्स्ट वन है इंसिडेंट रे लिखो 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 बाबू क्लियर दिखता है राजनंदनी बोलिए कि ना दिखता जी दिख रहा है। चलो जूम नहीं ना बाबू नहीं है जूम नहीं किया इट इज द रे बाबू इंसिडेंट रे क्या हो इट इज द रे म्यूट करो जी किसका म्यूट है इट इज द रे बाबू डेट स्ट्राइक्स that strike on the surface is called incident ray. बलार नहीं आ रहा जी आपके साइड से खराब हुआ इतना शैतान। नो सर नो सर नहीं आ रहा सर आ गया। पहले ये सब जयमाला वाला काम बंद करो बाबू वीडियो ये सब करते रहते बलार आएगा नहीं फालतू का क्यों काम करते रहते हो जी सर वहाँ पे सर इट इज द रे ऑफ लाइट इट इज द रे बाबू डेट स्ट्राइक्स बाबू ठीक लिखा हुआ सर ऑफलाइट नहीं ठीक है रहने दो। ये क्या हो गया सर हम लोग बहुत बार बनाएंगे बाबू ये आपका प्लेन मिरर है बाबू नीचे पॉलिश किया हुआ है ना इधर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंसिडेंट रे कहेंगे यही मेरा क्या हो गया इंसिडेंट रे हो गया ये इधर चला जाएगा ठीक है ना। तो सेकंड वाले में हम उसको दर्शाते हैं ये जो जा रहा ये क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे होगा याद इतनी बोली कितना तारीख से एग्जाम है बाबू यस सर कब से बोली करके रिफ्लेक्टेड रे सर फरवरी 15 में है तो सब सब्जेक्ट पे कमांड हो गया कि कहीं दिक्कत तो बोली सर मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है। क्या चीज का कंस्ट्रक्शन बाबू सर कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है बोले तो बताए थे ना बाबू वीडियो नहीं देखी बाबू नहीं पढ़ी थी जी सर मुझे वो ठीक से याद नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो वाला ठीक है कॉपी में लिख लीजिएगा बता देंगे कखनी ठीक है। स्कूल जाती हो कि नहीं जाती हो यस सर जाती हूँ। दिल्ली जा रही हो यस सर ठीक है बोले बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। दरे बाबू डेट बाबू बाउंस बैक
जानवी दास से बात नहीं होती बाबू? यस सर होती है। क्या कर रही है अभी? अभी क्या कर रही है मुझे पता नहीं है। स्कूल जाती है कि नहीं जाती है? यस सर वो आती है स्कूल। ठीक हो इसको नाम दे दो बाबू, एओ नाम दे दो और ई सी नाम दे दो। इन एभव फिगर बाबू रे ओ बी। सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। नो सर। ठीक है शांत रहिए। सही हुआ बाबू सलोनी? नो सर। सच हुआ? समझ में आ रहा है स्वाति? स्वाति यस सर। ऐसा याद करते चलना, बोले याद करते चलना है ना। गुड इवनिंग सर। सर क्या वजह बैच की डीआईवाई फॉर टुमारो फॉर बैच? वो भी लिखना है। हाँ ये भी लिखना, सारा चीज लिखना। रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टेड है भोला, रिफ्लेक्टेड है। और ऊपर हेडिंग में रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है भोला, इतना करके लाइएगा बाबू है ना, इतना याद करके आना। कल इसमें और टर्मिनोलॉजी हम लोग बता देंगे। टाइम हो गया सर? हाँ भोला टाइम हो गया बाबू, अगला बैच का भी टाइम। सर सर डाउट 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 सर डाउट ही सर लगा। ओनली वन ओनली